हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो भाई, आपके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो है चीज लेके आया हूँ। अगर आप सरकारी कर्मचारी हो या सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि जो नई पेंशन स्कीम है NPS, जिसको लेकर के सभी के अपने अपने अलग अलग विचार हैं, तो मैं विचार प्रकट नहीं करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि NPS में आपको अगर नौकरी आपकी लगती है किसी भी पोस्ट पे तो कितना पैसा आपको रिटायरमेंट पे मिलेगा। बिल्कुल राउंड एडजेक्ट तो नहीं, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीजें आएंगी, वो बताऊंगा कि एडजेक्ट क्यों नहीं है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि मैं उसके लगभग आपको बता दूंगा कि इतना पैसा लगे मिलेगा आपको। तो फिर आप आइडिया लगा लेना कि क्या हम कर सकते थे, क्या हम GPF में कर सकते थे, क्या NPS में मिल सकता है, कौन सा फायदा है कौन सा नुकसान है, वो आप कैलकुलेट करना। देखो देखो, मैंने इसको जूम कर दिया। अब देखो, पहले सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि कहाँ पे क्या क्या है। ये जो टेबल है, ये है बेसिक पे। मैं शुरुआत कर रहा हूँ बिल्कुल 1800 ग्रेड की। ये सीरीज में हर एक ग्रेड के ऊपर लेके जाऊंगा, 1800, 1900, 2000, 2400, 2800, 4200, 4600, इस तरीके से हर ग्रेड पे चलेंगे, लेकिन डे बाई डे। आज पहली वीडियो है 1800 ग्रेड की। अब ये नहीं है कि आप 1800 ग्रेड में नहीं, तो आप नहीं देखोगे। आप देखो वीडियो को, आप समझ जाओगे आपके ग्रेड में जब आएगा तो कितना वही अमाउंट आपको मिलने वाला है NPS में रिटायरमेंट पे। देखो क्या है, ये तो बेसिक पे है। ये बेसिक पे मैंने 40 साल तक लिख दी है, जो सरकार की तरफ से ऑफिशियल है वो, ये अलग नहीं है। ये DA का रेट है। अब इसमें देखना भाई, मैंने शुरुआत की बिल्कुल शुरुआत से, यानी कि अगर आप मान लो कोई पे कमीशन आया था, तो शुरुआत करिए 3% DA सरकार ने आपको पहले साल दिया, जीरो होता है। उसके बाद जैसे ही 6 महीना हुआ, सरकार ने आपको 3% दिया, फिर आपको 4 दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने क्या करा, क्योंकि हर टाइम के अनुसार DA 4 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा, 6 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा, तो मैंने एक एवरेज निकाल लिया 8% पर ईयर। 2 बार DA मिलता है, तो मैंने एक एवरेज निकाल दिया भाई कभी कि पूरे साल में हमें कुल मिला के 8% DA मिला, क्योंकि ये हम भविष्य की थोड़ी बता सकते हैं कि सरकार कितना DA देगी, लेकिन एवरेज 8%। तो पहले साल आपको कितना मिला, 7% मिला, अगले साल से 8 कर दिया मैंने, 8 13 15 हो गया, फिर 8 जोड़ो 23, फिर 31, ऐसे ऐसे DA आपका बढ़ता रहेगा। अब देखो, DA हो गया, ये है DA, ये तो DA का रेट है, ये DA in RS रुपीज, मतलब 7% अगर आपको मिला तो एक साल में एवरेज आपको कितना मिला, ये कितना है, 7% की वैल्यू है, ये 7% की वैल्यू, कि 7% इतना होगा, 15% इतना होगा। अब ये हर महीने मिलता है, आगे चलो बेसिक प्लस DA, ये बेसिक प्लस ये DA जोड़ दें, क्यों NPS कटता है बेसिक प्लस DA के आधार पे, ठीक है। तो 19,260 ये होगी आपकी बेसिक प्लस DA की टोटल वैल्यू। ये एक महीने की बात हो रही है, अभी पूरे साल की नहीं, ये एक महीने की बात हो रही है। अब देखो NPS डिडक्शन कितना पैसा आपका कटेगा। अब पैसा कटता है बेसिक प्लस DA का 10%। इसका 10% मैंने कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि एक्सेल में फार्मूला सही अच्छी इजी होता है। तो बेसिक प्लस DA का 10% हो गया 1926 रुपए। सीधी सी बात है, जीरो हटा दो पीछे से, लेकिन आप स्क्रॉल करोगे एक्सेल में बड़े बड़ा तो अपने आप कैलकुलेट हो जाता है। ये हो गया आपका शेयर जो आपका कटा है। गवर्नमेंट शेयर सरकार भी देती है आपको हर महीने, सरकार देती है 14%। किसका 14%, बेसिक प्लस DA का 14%। ये मिलेगा आपको 2696.4 रुपए। ये हो गया गवर्नमेंट का शेयर जो आपको दिया। इसका मतलब आपने 1926 रुपए कटवाए और आपके 2.5 गुना पैसे सरकार ने करके वापिस दे दिया आपको। इतना तो मिला ही मिला, प्लस और भी ज्यादा, यानी कि 14% और, यानी हर महीने आपको डबल से भी ज्यादा पैसा सरकार आपको कर रही है, एक तरीके से जितना आप कटवा रहे हो उससे डबल से भी ज्यादा, 2.5 गुना एक तरीके से कह सकते हो। अब क्या है, ये तो सरकार ने दे दिया। अब हर साल क्या, डे बाई डे इंटरेस्ट भी लगता है, क्योंकि मार्केट में पैसा है तो मार्केट का इंटरेस्ट है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। मैंने क्या किया, हर महीने का हर दिन का कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें क्या पता मार्केट में क्या चलेगा आगे, लेकिन हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया, जब लॉन्ग टाइम के लिए मार्केट में पैसा जाता है तो एक अच्छा हमें इंटरेस्ट मिलता है। पीछे का देखेंगे, कोरोना के काल से पहले, अगर कोरोना काल से पहले देखें तो 11-12% तक इंटरेस्ट रेट गया है, लेकिन मैंने एक सभी के लिए स्टैंडर्ड रेट कर दिया 9%, कि भाई 9% हमें इंटरेस्ट मिलेगा हर साल जो हमारा पैसा जमा होगा उसके ऊपर, समझ गए, ठीक है।
एनपीएस इन वन मंथ, कितना एनपीएस आपका जमा हुआ एक महीने में। अब एक महीने में जमा कौन सा होगा, तो एक महीने में आपका जमा होगा ये वाला, मैंने आपको बताया आपका कटा हुआ 1926 रुपए, सरकार ने दिया 2694, दोनों को जोड़ दो आपका एक मंथ का एनपीएस आ जाएगा इतना, इतना आपका टोटल जमा हुआ पैसा। अब क्या एक महीना, एक साल में होते 12 महीने, तो पूरी साल में कितना जमा होगा, साल में जमा होगा आपका इतना, इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 2642 को 12 से। ये एक राउंड फिगर है क्योंकि बीच में और भी कई चीजें होती हैं, कितना होगा वो एडजस्ट नहीं आएगा, लेकिन राउंड फिगर आपको मैं बता रहा हूँ, 55,468.8 रुपए एक साल का जमा हो गया, ठीक है। अब क्या है, जो ये इंटरेस्ट लगता है ये मैंने लगाया है साल के एंड में, क्योंकि लगता है ये डे बाई डे है, मार्केट जब खुलती है, आज मार्केट खुली, क्या मार्केट में पॉजिटिव नेगेटिव है उसका इंटरेस्ट कल लग जाएगा आपके ऊपर, बढ़ता घटता रहता है पैसा डेली, लेकिन मैंने एक एवरेज निकालने के लिए लास्ट के साल के एंड में आपको लगा दिया कि भाई इतना पैसा लगा, क्योंकि डे बाय डे लगेगा ना तो इंटरेस्ट कम ज्यादा होता है, हो सकता है 55,000 का इंटरेस्ट थोड़ा जो मैंने बताया उससे थोड़ा ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है। तो पर एनम का क्या करेंगे, तो एक साल में जब पैसा जमा होगा तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा साल खत्म होने के बाद, तो खत्म होने के बाद दूसरी साल स्टार्ट हो जाएगी, तो मैंने इसका जो इंटरेस्ट लगाया है वो मैंने यहाँ पे शो किया है, ये वाला खाली रहेगा, क्यों, साल कंप्लीट हो चुकी तो इसका जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पे शो करेगा लास्ट में, एक स्टेप आगे चलेगा, हो गई। अब सुनो, ये तो एक स्टेप बता दिया भाई, एक साल में इतना हो गया, अब आपकी बेसिक अगले साल हो गई ये वाली 18,500, तो भाई आपका डीए भी सरकार साल में 2 बार बढ़ाती है, 8% बढ़ा दिया, 7 था अब 8 हो गया साल के एंड में, मैं साल के एंड की बात कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ साल के एंड में बात कर रहा हूँ। डीए ऐसे ही जब आपका कटता था 1260 रुपए हर महीने का, अब आपका कटेगा 2775, अब कहोगे सर ऐसा बीच में तो फालतू, भाई देखो जब ये डीए साल में 2 बार बढ़ा, पहले 7% था, सरकार ने 4% बढ़ाया, 11% हुआ, 6 महीने तक 11-11% कटेगा, तो क्या होगा वो जो एनपीएस है या डीए है वो 2775 नहीं होगा, 2775 तो अगला 6 महीने वाला डीए जुड़ने के बाद किया है, यानी कि 2775 कटेगा 15% होने के बाद, तो अब हम 6-6 महीने का नहीं निकाल सकते, ठीक है, बाकी निकल वो भी जाएगा लेकिन इतना ज्यादा वेरिएशन आएगा नहीं, कुछ बड़ी बात नहीं है, वो भी निकल जाएगा, यहाँ पे बस ये जो मैंने लिखा 18,000 18,500 ये दो दो बार लिखना पड़ेगा और कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी हो जाता है लेकिन कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं आने वाला है, वो 100-200 रुपए का फर्क होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये कर दिया लास्ट तक। अब देखो आपको ये भी पता है कि भाई 10 साल के बाद पे कमीशन भी आता है और 8% 8 साल के बाद एसीपी भी लगती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग रूल है, स्टेट में एसीपी का अलग रूल है, पे कमीशन सबके लिए होता है लेकिन एसीपी का रूल सबके लिए अलग है, कहीं पर 8 साल में कहीं पर 10 साल में। तो हरियाणा की मैं बात कर रहा हूं, अगर हरियाणा में मैं कर्मचारी हूं तो मैं आपको हरियाणा बता रहा हूँ, 8 साल में एसीपी लगती है, अब 8 साल में आपके हो गई बेसिक 21,500 और ये हुई है 1800 ग्रेड के अंदर, ये 1800 ग्रेड की बात कर रहा हूँ, तो 8 साल के बाद आपका ग्रेड चेंज होगा, अब एसीपी लगेगी आपके नए स्लैब में, ठीक, फिर 8 साल के बाद फिर आपका ग्रेड बदलेगा, फिर 8 साल के बाद फिर ग्रेड बदलेगा, तो क्या होगा ये जो नीचे का स्ट्रक्चर है ये भी बदल जाएगा, लेकिन अब हमें हर पोस्ट का तो पता नहीं कि 8 साल के बाद क्या होगा, फिर बीच में पे कमीशन भी आना है, तो मैं उन चीजों में नहीं जा रहा, उसका बेनिफिट तो और भी बाद में बताऊंगा लास्ट में वीडियो के, कि वो मैं नहीं गया तो उसका क्या फर्क पड़ता, मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपकी कोई एसीपी 8 साल तक नहीं लगी, ना कोई आपका पे कमीशन आया, आप रेगुलर 40 साल तक सर्विस करते रहते हो तो आपको कितना पैसा मिलेगा। अब ये मत कहना जी ऐसा कैसे हो सकता है, भाई नहीं हो सकता मुझे भी पता है, लेकिन मैं आपको कैलकुलेशन दिखा रहा हूं कि अगर ऐसा होता है तो कितना मिलेगा, क्योंकि अगर एसीपी लगेगी तो आपका तो पैसा और ज्यादा बढ़ेगा, तो मैं तो आपको मिनिमम कंडीशन बता रहा हूं कि मिनिमम से मिनिमम इतना पैसा तो मिलना ही है और उससे ज्यादा ही आपको मिलेगा, क्योंकि बीच में 3 एसीपी है और 3 पे कमीशन है। तो इस तरीके से आपने किया और ये कैलकुलेट मैं करके आपको दिखाता हूँ, पे कमीशन आया 10 साल के बाद, एक पे कमीशन 10 साल के बाद, पे कमीशन में क्या होता है वो समझो, देखो पे कमीशन में होता है आपकी जो ये बेसिक हुई 22,800 जो बेसिक आपकी हुई है पे कमीशन 10 साल होने के बाद, और जो आपका डीए, डीए कौन सा, डीए आपका जो बढ़ता है यानी कि कितनी परसेंटेज आपकी डीए की हुई, ये 71% जो आपकी परसेंटेज हुई डीए की, अब ये जो 71% हुआ है तो आपको हर महीने ध्यान देना भाई, हर महीने 71% आप कटता है ना, तो आपका जो पैसा बनता है वो बनता है जी 16,188 रुपए 71% का। तो पे कमीशन में क्या होता है कि इन दोनों को मर्ज करके देखते हैं, फिर उसके ऊपर फैक्टर लगाया जाता है
कि भाई मान लो भाई सरकार जैसे पीछे पे एक मिशन आया था 16 में, तो जो भी आपकी बेसिक थी उस बेसिक का 2.57 गुना दिया गया था, और कुछ पोस्ट जो बड़ी थी उनको 6.7 गुना दिया गया था, यानी कि लगभग 2.5 गुना आपकी सैलरी की गई थी, 2.5 गुना सैलरी आपकी हो गई थी, और सब कुछ आपका जीरो कर दिया था, डीए फिर से जीरो। तो इसका जब 2.5 गुना होगा, बेसिक का 2.5 गुना होता है वो, लेकिन जरूरी नहीं हर बार 2.5 गुना होगा, भाई सरकार की मर्जी, 2 गुना करे, 3 गुना करे, 2.5 गुना करे, 1.5 गुना करे, वो सरकार की मर्जी है। तो जो बेसिक है, अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल हम डबल मानते हैं, 10 साल बाद पे कमीशन आया और सरकार ने डबल कर दिया 2 गुना, तो 22,800 का डबल कितना होगा, 44,000, सॉरी 45,600, ये होगा आपका बेसिक, हो गई आपकी डीए, आपका ये सब जीरो हो जाएगा, जीरो डीए फिर से शुरू होगा, जीरो से दो तीन चार जो होता चलेगा वो चलेगा, लेकिन जो बेसिक आपकी मर्ज हुई है ना, उस बेसिक का डीए का ये फायदा होगा आपको कि आपका जो डीए बाद में मिलेगा, जब दोबारा से मिलेगा तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। अब आपको 71% मिल रहा है 22,800 के बेस पे, और फिर आपको मिलेगा 45,600 के बेस पे 3%, कैलकुलेट कर लेना ज्यादा मिलेगा आपको, ये जो टोटल कैलकुलेशन आई है इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा, और इससे ज्यादा आपका एनपीएस कटेगा। क्यों? बेसिक बढ़ गई तो ऑटोमेटिक सी बात है डीए मिलेगा, जुड़ेगा, फिर कटेगी बेसिक, तो एनपीएस कटेगा, तो फिर आपका बेसिक भी ज्यादा कटेगा। अब आपका 16,188 कटता है तो आपका 20,000 से ऊपर कटेगा, तो 20,000 से ऊपर कटेगा तो ये सब कुछ आपका और ज्यादा हो जाएगा, समझ गए? तो मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ, पे कमीशन आया, लेकिन मैं आपको पे कमीशन के ऊपर नहीं लेके जा रहा, मैं आपको रेगुलर चलवा रहा हूँ, जो सरकार ने 40 साल का स्ट्रक्चर दिया उस हिसाब से। फिर दोबारा से पे कमीशन यहाँ पे आएगा, 10 साल के बाद फिर के पे कमीशन आएगा, आपकी सैलरी यहाँ पे है, ठीक, फिर पे कमीशन में फिर कुछ बदलाव होंगे, फिर आपका और ज्यादा बढ़ेगा सैलरी, और ज्यादा डीए बढ़ेगा, और ज्यादा एनपीएस बढ़ेगा आपका, फिर तीसरा पे कमीशन आएगा 30 साल के बाद। अब डिपेंड करता है आपकी नौकरी कितनी है, आपकी नौकरी कितनी है, जरूरी नहीं ना सबकी 40 साल की, किसी की 25 साल हो, किसी की 30 साल, किसी की 22 साल, तो जिसकी जितनी है उसका उतना ही आपका पैसा जोड़ेगा। एनपीएस में फायदा क्या है, जितनी लंबी नौकरी उतना ज्यादा पैसा, ये एनपीएस में फायदा है। अगर किसी की नौकरी 15-16 साल है तो उसको एनपीएस में नुकसान है, क्यों, उसका पैसा इतना ज्यादा बढ़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि बेसिक से शुरू करेगा जीरो से, वो मतलब नॉर्मल बेसिक से शुरू करेगा, बिल्कुल 0 पॉइंट से, तो उसकी बेसिक कितनी बढ़ेगी, एक पे कमीशन आ जाएगा बस, लेकिन एक बंदा 3 पे कमीशन ले रहा है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो एनपीएस अगर कोई शॉर्ट टर्म सर्विस करता है 15-16 साल 20 साल, तो उसको ज्यादा बेनिफिट नहीं है, लॉन्ग टर्म जो करता है 35 साल 30 साल, तो उसको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा। अब देखो हम आ गए लास्ट में 40 साल पे, ज्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा मैं आपको, बता देता हूँ वो गम सी बात है भाई, ये देखो ये 43 मत सोचना, ये 3 लाइन तो मैंने खाली छोड़ दी इसलिए 43 है, ये 40 साल की बेसिक है, जब आपकी 40 साल की हो जाएगी सर्विस, जब आपकी ये बेसिक हो जाएगी, आपका डीए इतना हो चुका परसेंटेज में 311%, मतलब इसका ट्रिपल गुना से भी ज्यादा, और आपकी जो सैलरी बनती है वो बनती है ये 2,33,000 आपकी सैलरी बनेगी महीने की, ये तो बेसिक प्लस डीए है, इसमें आपका एचआर भी मिलेगा अलग से, और आपको मेडिकल भी मिलता है, बहुत चीजें मिलती है, सैलरी बहुत बनेगी, लेकिन ये तो बेसिक प्लस डीए का निचोड़ वो है जोड़। अब इसका 10% कटेगा तो ये कटेगा, सरकार आपको 14% देगी तो ये देगी, इंटरेस्ट रेट ये है, आपका एक महीने का जुड़ा 56,126, पूरे साल का जुड़ा 6,73,513, और आपका जो अब तक टोटल जुड़ा 40 साल में वो जुड़ा ये वाला 73, कितना ये रहा, एक साल का आपका जुड़ेगा ना, वो जुड़ेगा एक साल नहीं सॉरी, ये आपका एक टोटल जुड़ेगा 12 महीने का ये, क्योंकि ये आपका एक महीने का जुड़ा है ना, नहीं, रुको रुको रुको, हाँ आपका ये एक साल में जुड़ा, तो इसका जो 9% का ब्याज हमने जो लगाया है, 9% का ब्याज इंटरेस्ट वो ये है, 7,34,000 आपका इंटरेस्ट के साथ हो गया, ये 6,40,000 था, इसका इंटरेस्ट लग के 6,98,000 हो गया था, तो ये आपका पर ईयर का टोटल इंटरेस्ट के साथ है, विद इंटरेस्ट। अब आपको क्या करना, पूरी 40 साल में कितना जुड़ा, तो वो जुड़ेगा 1,19,89,643 रुपए, कितना, 1,19,89,000, यानी कि लगभग 1,20,00,000। अब ये 1,20,00,000 कैसे जुड़ा, केवल हमने जब 40 साल का नॉर्मल स्ट्रक्चर बताया जब, लेकिन बीच में आपको मैं फिर कह रहा हूं एसीपी भी लगेगी आपको दो तीन, आपके पे कमीशन भी आएंगे, सारा स्ट्रक्चर बदलेगा, आपकी बेसिक में डीए मर्ज होकर दोबारा से बेसिक बन जाएगी, तो भाई अगर आपका 18,000 ग्रेड से
आप शुरुआत करते हो, तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है, ये तो नॉर्मल सी कैलकुलेशन मैंने बताई है, आपका जो टोटल 40 साल के बाद आपका जुड़ेगा पैसा, वो आपका जुड़ेगा लगभग 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए, ये आपका भाई 40 साल में जुड़ेगा। अब कोई ये मत पढ़ा जी फेंक दी लंबी, नहीं भाई है हकीकत है ये। कभी आराम से बैठ के एक्सेल पे आप खुद कैलकुलेट करके देखो, एक एक चीज को समझो खुद। अब कई बच्चे कहेंगे हाँ इतना होता है, भाई होता है एक्चुअल में, मैं आपको कोई वो ड्रीम नहीं दिखा रहा, ड्रीम दिखाने से मुझे कुछ नहीं मिलना कि आपके जुड़ेंगे तो मुझे कुछ मिल जाएगा, नहीं, ये हकीकत है जो मैंने बताई आपको। एक 1800 ग्रेड का कर्मचारी जब रिटायर होगा, अगर वो 40 साल नौकरी करता है, तो वो कम से कम 2 करोड़ रुपए एनपीएस में जोड़ेगा। अब सरकार का आज का रूल कहता है इस 2 करोड़ में से 60% आपको मिल जाएगा मैक्सिमम, और 40% आपको छोड़ना पड़ेगा पेंशन के लिए, ये आज का रूल है। लेकिन एक वीडियो मैंने बनाई है कि सरकार ने, जो अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक घोषणा की है कि एनपीएस में कुछ नए सुधार सरकार करेगी, तो हो सकता है आपको इसमें भी कुछ अलग देखने को मिले, और आपकी जो पेंशन वगैरह उसमें कुछ बदलाव होता मिले। तो अगर एनपीएस रहा तो ये वीडियो आपके काम आएगी, एनपीएस नहीं रहा, कुछ और आ गया, तो फिर बात दूसरी, आगे देखेंगे। आज के टाइम पे एनपीएस में ये है, अगले वीडियो किस ग्रेड पे लेके आनी मुझे बता देना, मैं आपको अप्रोक्सीमेटली आइडिया दे दूंगा, आपको 95% सटीक डाटा के साथ 95% की गारंटी लेता हूँ कि जो मैंने बताया 2 करोड़, वो ये 5% का मैं कह सकता हूँ, भाई थोड़ा सा वेरिएशन होता है बीच बीच में, क्योंकि हमें भविष्य का नहीं पता कब डीए कितना बढ़ेगा, कब कितनी इंक्रीमेंट लगेगी, वो हम नहीं बता सकते, सरकार क्या करेगी। लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया आपका है, 1800 ग्रेड का कर्मचारी 2 करोड़ रुपए पे अपने एनपीएस में जोड़ेगा, और जीपीएफ में क्या होता है, यानी कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम, उसमें क्या होता है, उसमें कुछ नहीं होता, उसमें ये नहीं कटता, ये कंपलसरी नहीं है, आपकी जो बेसिक है आपको इसमें से खुद कटवाना है, जितना आपकी मर्जी हो, बस उसके ऊपर आपको ये इंटरेस्ट मिलेगा, वो डिपेंड करता है सरकार साल में कितना रखती है, पहले 7.5% 7.8% 8% तक रहता था, तो बस वो आपको ब्याज ब्याज मिलेगा जो आपने कटवाया है खुद। मतलब 18,000 में से आप कहते हो मेरे जीपीए में 5,000 काट दो, बस 5,000 कट जाएंगे, उसके ऊपर 9% का ब्याज आपको मिलेगा, या 8% जो भी है वो, ठीक, ये आपको मिलेगा 5,000 कटवाने के बाद। आपकी सैलरी कितनी बची, आपकी सैलरी बची केवल 5,000 कटने के बाद 13,000 बेसिक, और जुड़ा कितना आपके पास, आपके पास जुड़ा केवल 5,000 रुपया, और 450-500 ब्याज लग जाएगा एक साल में उसके पास, महीने की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन अब आपका कटा कितना, 1926 रुपया, और आपको मिला कितना, जुड़ा कितना आपका, 4652, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, और आपके पास सैलरी कितनी बची, आपके पास सैलरी 3,000 रुपये ज्यादा बची है बेसिक की, जहां आपका 13,000 बच रहा था वहां आपका 16,000 रुपये बच रहा है आपके पास, समझ गए, ये फर्क होता है, और जितनी बढ़ेगी है उतना आपको और ज्यादा यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, आपका दिन शुभ हो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप मेरी इस वीडियो से इत्तेफाक रखते हो, आपको लगता है कि हाँ जो मैंने बताया वो सही है, तो कमेंट कर देना, और ये बता देना अगले वीडियो कौन से ग्रेड पे बताऊं कि कितनी आपकी बनेगी, और ये सब मैंने फार्मूले बना रखे हैं भाई, कभी कभी कुछ कहां से कर दिया कैलकुलेट, जैसे कि देखो इसमें, देखो ये फार्मूला दिखाई दे रहा है ऊपर, ये इसमें देखो ये फार्मूला, इसमें ये फार्मूला, इसमें ये फार्मूला, और इसमें ये फार्मूला है, इसमें ये फार्मूला है, और इसमें ये फार्मूला है, सारा फार्मूला बेस्ड होता है, ऑटोमेटिक एक्सेल उठा लेता सारा, इसमें ये फार्मूला है, सम कर दिया सबका। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, थैंक यू।